सभी सीटें जीतेगी। आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पीछे
सत विकास की धारा से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित लोक कल्याणकारी मनोरथ से सतत चतुर्दिक सुख एवं समृद्धि का प्रसार करने वाले मंचासीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धे परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत नमन वंदन एवं अभिनंदन हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन माननीय सांसद सदर क्षेत्र का हम सभी आज की इस धरा पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय महापौर महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन समस्त मंचासीन विधायकगण का हम सभी अतिथि देवोभव की परिकल्पना से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए भाटी विहार के पार्षद श्री धर्मदेव चौहान जी से अनुरोध करते हैं कि आप पुष्प वृक्ष के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज की इस धरा पर समस्त जनमानस की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस धरा पर स्वागत एवं अभिनंदन स्वागत एवं अभिनंदन के उपरांत आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथियों के सम्मुख आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करें सादर अनुरोध परम पूज्य पीठाधीश्वर गोरखपीठ तथा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परियोजना के भूमि पूजन व शिलान्यास के कार्यक्रम स्थल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण व गोरखपुर की प्रबुद्ध जनता का अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचस्थ समस्त अतिथिगण का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम कुल इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा 42 परियोजनाओं जिनकी लागत लगभग 72 करोड़ रुपए है उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण की लगभग 68 करोड़ की योजनाएं हैं और लगभग 10 करोड़ की योजनाएं अन्य विभागों की हैं। मुख्य रूप से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो लगभग 2 एकड़ में होगा, इसको हम लगभग 6 करोड़ की